हेलो मम्मा, क्या हाल अरे है? तूने तो बताया नहीं आज आ रहा करके। तू तो बोल रहा था आऊंगा करके। मैंने प्लान किया था कि जीते रहे खुश रहे। मैं 1 या 2 दिन में आने वाला था। मतलब मैं कल ही आया था आपके पास, लेकिन कल लेट हो गया। आज मैंने स्टिकर बनवाया नए नए अपने ही चैनल के। वो बार कोड स्कैन कर सकते हैं और उससे अपना चैनल खुल जाएगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हेलो टू ऑल। वैसे तो इवनिंग हो रही है पर गुड मॉर्निंग बोलने का मन कर रहा था क्योंकि आप लोग मॉर्निंग में वीडियो देख रहे हो ना, इसलिए जोश से भर दिया मैंने इवनिंग भी, क्योंकि अभी हम आगरा से निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। और पिछले लोग में आपने देख ही लिया होगा कि कैसे कैसे मैंने सारी तैयारी करी है स्पीति राइड के लिए। सारी तैयारी आपको पहले वाले ब्लॉग में मिली ही होगी। इस वाले ब्लॉग में हम आगरा से दिल्ली पहुंच रहे हैं, मतलब मम्मी के पास जा रहे हैं सीधा। आज हम मम्मी के पास ही रुकने वाले हैं, एक दिन कल भी रुकेंगे। और लेना है, परचेज करना है अपना भी और दोस्तों का भी, जो उन्हें और मुझे जरूरत पड़ेगा आगे इस राइड पे। चलते हैं आगे, पूरे मजे लेते हैं इस राइड का भी। आज हम दिल्ली जा रहे हैं नॉर्मल हाईवे से, यमुना एक्सप्रेसवे से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पे एक तो लॉन्ग पड़ता है और दूसरा पापा ने मना कर दिया है यमुना एक्सप्रेसवे पे अब नहीं चढ़ना है, नॉर्मल हाईवे पे ही जाओ। इसमें ना स्पीड थोड़ी कम रहती है, उसमें स्पीड थोड़ी ज्यादा भी रहती है बड़े व्हीकल की, तो छोटा व्हीकल का एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो नॉर्मल हाईवे से ही जा रहे हैं इस बार। और मेरे अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है घर वालों से मिलने की। मम्मी से बहुत टाइम बाद मिलने वाला हूँ ना, इसलिए मतलब दादी पापा और मासी से तो यहाँ मिला पर मम्मी से नहीं मिला ना। मम्मी भाई और भाभी से मिलने जा रहे हैं हम, तो चलते हैं। उसके बाद नई राइड भी स्टार्ट होने वाली है अपनी 1 या 2 दिन के अंदर। हम वहां से निकल जाएंगे आगे स्पीति की तरफ और वहीं पे हमें सारे दोस्त मिलेंगे आगे भी। तो चलते हैं आज दिल्ली। रोड पे ट्रैफिक होने वाला है इस वक्त क्योंकि टाइम हो रहा है दोपहर के 2, तो ट्रैफिक तो रहेगा पर, लेकिन सूरज मामा ना हमें हेल्प करते रहेंगे, ठंड नहीं लगेगी, आराम से पहुंच जाएंगे हम। फटाफट सेफ्टी गेयर्स पहनते हैं और चलते हैं। इस बार कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, डोंट वरी, बिल्कुल सेफ्टी के साथ जाएंगे। और दिल्ली में ना अपनी राइडर्स जैकेट भी पड़ी हुई है तो वो भी ले लेंगे, बिना किसी टेंशन के राइड करेंगे अब। जेड़ा नशा नशा तेरी अखां दे चावे मैनू, मैं वेख्या बड़ा मनाया लखां दे चावे मैनू। हमने आगरा लगभग पूरा खत्म ही कर दिया है क्योंकि जो लास्ट कॉलेज आता है ना सचदेवा कॉलेज, यहाँ से मथुरा की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, मथुरा टेरिटरी के अंदर आता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मथुरा लगता है। और आगरा काफी बड़ा है, मथुरा भी बड़ा है पर आगरा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से अपना सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको, डेंटिस्ट कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, सारे लाइन से ही होंगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मेडिकल कॉलेज। तो बच्चे बहुत पढ़ने आते हैं हाईवे वाले साइड पे। नशा तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेख्या बड़ा मनायो लखां विचों आवे मैनू। दोस्तों ये आ चुका है रेड फोर्ट जैसा टोल, बिल्कुल इसकी दीवारें आपको ऐसी लगेंगी जैसे रेड फोर्ट हो, किले के जैसा बना हुआ था। अभी तो ऊपर जो स्टील का लोहे का लगा दिया है, ये तो ऊपर की दीवार भी पहले पत्थर की हुआ करती थी, लाल पत्थर की। बहुत ब्यूटीफुल सा दिखता है ये टोल। मथुरा का टोल है ये, मथुरा आगरा का, और पहले यही टोल हुआ करता था बस, और यमुना एक्सप्रेस से तो हुआ ही नहीं करता था। काफी ब्यूटीफुल लगता है, इसके जस्ट बगल में किला से दिखेगा आपको, देखो उधर दिखा। बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे ढाबे बहुत सारे होंगे ट्रकों वालों के, जैसे आप इस टोल को क्रॉस करोगे ना। और यहाँ की चाय भी काफी अच्छी है, पर हम अभी रुकने नहीं वाले हैं, हम सीधा सीधा गाड़ी चलाते हैं क्योंकि जितनी देर दिन होगा ना उतनी देर में जितना कवर होगा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। और जैसी रात होने लग जाएगी ना, शाम होने लग जाएगी, तो स्लो कवर करेंगे, ज्यादा स्पीड में नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से हम अभी डे में जितना भी ज्यादा कवर कर लेते हैं। घर से तो पेट भर के ही निकला था ना मैं, इसलिए अगर आप मथुरा से गुजर रहे हो गए तो आपको ये वाला मंदिर जरूर दिखेगा, जय गुरुदेव मंदिर है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल टेम्पल है यहाँ पे। मतलब मथुरा में तो बहुत सारे टेम्पल हैं, वो भी सारे ही ब्यूटीफुल हैं, पर ये आपको ऑन हाईवे मिलेगा तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, बाकी सब तो वृंदावन के अंदर है। और वृंदावन भी मैं आपको जरूर घुमाऊंगा आने वाले कुछ महीने में, घुमाऊंगा जब वहाँ फेस्टिवल होता है ना, बहुत तगड़ा फेस्टिवल होता है, होली होती है ना, तब वहाँ पे आपको जरूर घुमाऊंगा। और बहुत ब्यूटीफुल है ये टेम्पल, अगर आप देखो तो, जय गुरुदेव टेम्पल।
पूरा संगमरमर का बना हुआ है और बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही पूरे आगरा में ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो संगमरमर की बनी हुई है। मेरे को हटा दे तो ऐसी बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज है जो आगरा में और मथुरा में संगमरमर की बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ना पहले संगमरमर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था और संगमरमर में ना बहुत सारी कलाकृति की जाती है, जैसे बाकी जगहों पे लकड़ी पे की जाती है, कई जगहों पे पत्थर पे की जाती है, कोटा स्टोन पे की जाती है, कई जगहों पे लाल पत्थर पे की जाती है, तो यहाँ पे संगमरमर पे की जाती है और काफी सूटेबल होती है क्योंकि पूरा वाइट वाइट चमकता है ना, तो इसे दूध से भी धोना पड़ता है, महंगा बहुत पड़ता है इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करना। ताजमहल को मेंटेन करना भी बहुत महंगा पड़ता है। इवन जो गुरुद्वारा आज आपने सुबह देखा था वो भी पूरा संगमरमर का है ऊपर से, तो उसको मेंटेन करने में भी बहुत मतलब पैसा लग जाता है, खर्चा ज्यादा हो जाता है, पर ब्यूटीफुल बहुत दिखती है प्रॉपर्टीज। और सनसेट हो रहा है ना तो इस टाइम पे तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। हम हमेशा ऐसी जगह पे टाइम से पहुंच जाते हैं ताकि लोकेशन की ब्यूटी और मिल जाए हमें। चलते हैं दिल्ली, मम्मी से मिल लेते हैं, मम्मी को भी मिलने का बहुत मन कर रहा है। जैसे जैसे पास पहुंचते जा रहा हूं ना एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। भाई रात में तो फॉग देखा ही देखा था, दिन में फॉग देखो कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक फॉग है देख लो। सो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस वक्त पलवल और ठंड इतनी खतरनाक हो रखी है, शाम के बज रहे हैं 6, बाप रे खतरनाक वाली ठंड है। मैंने सिंगल जीन्स पहनी हुई थी तो ठंड जो है ना वो चीर रही है पूरी जीन्स को, और इस वक्त मैं 40 से ज्यादा स्पीड में नहीं चल रहा हूँ, अपना यहाँ से 70 किलोमीटर रह गया है घर, मतलब जहाँ तक हमें जाना है 70 किलोमीटर दिल्ली के अंदर, पलवल से 70 किलोमीटर पड़ेगा हमें दिल्ली वाला घर अपना, और खतरनाक ठंड है इस वक्त। वैसे मैंने नोटिस किया आगरा से कोई और बाइक से इतना दूर आ नहीं रहा था दिल्ली तक, वो भी इस टाइम नहीं आ रहा था, मॉर्निंग में शायद चले होंगे, हमने गलती कर दी, हमें 12 बजे से पहले ही चलना चाहिए था, पर लेकिन हमें स्टिकर्स भी तो इम्पोर्टेंट थे। चलो कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ा बहुत ठंड झेलना भी जरूरी है क्योंकि अभी हम आगे स्पीति जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे ठंड और खतरनाक होने वाली है, तो थोड़ी बहुत ठंड बेयर करने की चाहिए अभी से ही, तो थोड़ी सी एरिडिटी हो जाएगी ना तो वहाँ जाके दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं अगली बार से जीन्स का ध्यान रखूंगा, जीन्स के अंदर एक लाइनर और पहनूंगा ताकि ठंड बिल्कुल ना लगे, मैंने अंदर कुछ नहीं पहना जीन्स में तो ठंड लग रही है, डबल होता तो शायद ठंड नहीं लगती, ऊपर तो जैकेट डबल पहनी है, ऊपर कोई ठंड नहीं लग रही है। देखते हैं यार, लगातार चल रहे हैं अपन, चाय भी नहीं पिए, कहीं आगे चल के देखते हैं अगर चाय वाला मिलता है तो चाय पियेंगे, नहीं तो सीधा ही घर लगा देंगे गाड़ी, क्योंकि ठंड की वजह से कहीं रुकने का मन भी नहीं कर रहा बिल्कुल भी। होकर आ गया लद्दाख, अच्छा था, काफी अच्छा था, अभी स्पीति जा रहा हूँ, स्पीति खड़ी अपनी धन्नो। सो मैं पहुंच चुका था पलवल, और पलवल पे भाई ने आपने देखा ही होगा वीडियो में मुझसे रोक के पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हो लद्दाख, उन्हें लगा लद्दाख जा रहा हूँ क्योंकि पीछे मैंने आज तक लद्दाख लिखवा के रखा है, मेरी एक टाइम पे ड्रीम प्लेस थी लद्दाख, तो मैंने कभी वहां से हटाया ही नहीं, अब स्पीति भी अली भी लिखवा देंगे जब हम वापस आ जाएंगे कंप्लीट करके। और भाई ने ना मुझे ऑफर की चाय, और मेरा मन कर रहा था बहुत देर से चाय पीने का, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मतलब खुश हो गया क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं दिल्ली एनसीआर में ना लोग पूछते नहीं है, लेकिन अपने दिल्ली से भी लोग एक दूसरे को बहुत पूछते हैं, जैसे ही मैं इंटर हुआ शायद तभी आपने पूछ दिया था पलवल में, और चाय के बारे में बहुत देर से सोच भी रहा था, लेकिन सारा हाईवे आया था ना तो चाय वाला कोई मिल नहीं रहा था, काफी रोड के साइड में लेके आके चाय वाले भैया मिले हमें चाचा, और चाय मिल गई अपने को फुल्लड़ वाली बढ़िया वाली। और एक बात बता दूं आपको, इस ठंड में ना यही असली दवाई है ठंड से बचने की। वाह मस्त है चाय, थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू सो मच। तो भाई का भी प्लान बन रहा है लद्दाख जाने का, चार चाय बना दो, दो या तीन महीने बाद ही जा पाएंगे, अब तो लद्दाख के रास्ते बंद होने वाले हैं। अपन ने दिल खुश हो गया कि यार मतलब कि मैं क्या बताऊं, मुझे ना इतनी खुशी मिल रही है, मैं से अगर मुझे कोई और मतलब इतनी ठंड में कोई और पूछता ना, अगर ये दिल्ली के पास नहीं होता एरिया और कोई मुझे पूछता तो मैं मना कर देता, चाय नहीं पीनी चलते हैं आगे, लेकिन मेरा मन था क्योंकि दिल्ली में लोगों में से किसी ने पूछा ना तो मैं दिखाना चाहता था कि दिल्ली में भी लोग पूछते हैं, मतलब उन्हें लगा शायद रेयर लगा ना, मैं ब्लॉगर लगा आपको या दूर जा रहा हूँ लद्दाख की तरफ और आगरा का नंबर देखा यूपी का नंबर देखा तो उन्होंने रोक लिया और पूछ भी लिया चाय के लिए, क्योंकि उन्हें लगा मुसाफिर है जा रहे हैं चाय तो पूछ लेनी चाहिए, है ना भाई जी। दिल बहुत बड़ा है दिल्ली वालों का भी। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच भाई जी, मिलेंगे फिर से, चलते हैं यार। तो
से फरीदाबाद और फरीदाबाद से हम गुड़गांव जा रहे हैं, मतलब दिल्ली नहीं जा रहे हैं, गुड़गांव की तरफ से अपन द्वारका चले जाएंगे क्योंकि द्वारका गुड़गांव के बॉर्डर पे ही पड़ता है और दिल्ली के ट्रैफिक से ही बच जाएंगे क्योंकि फरीदाबाद का ट्रैफिक दिल्ली के ट्रैफिक से तो काफ़ी कम है। तो यही रूट भी हमें शॉर्ट पड़ रहा है क्योंकि जब हम यमुना एक्सप्रेस वे नहीं जब हम यमुना एक्सप्रेस वे नहीं चढ़ते तो ये वाला रूट शॉर्टेस्ट पड़ता है अपन अगर द्वारका जाना चाहे तो। जब आप फरीदाबाद से गुड़गांव की तरफ जाओगे तो हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी, बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत, पूरी भगवे रंग में होगी और नीचे मंदिर भी होता है लेकिन इस वक्त क्लोज होगा क्योंकि हम लेट हो गए ना, और अगर दिन होता है तो मूर्ति की खूबसूरती भी अलग ही दिखती। वैसे रात के टाइम भी अच्छी लग रही है लाइटिंग की वजह से काफ़ी, और बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। चलते हैं गुड़गांव, यहाँ से अब बचा है सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर और हमारा घर यहाँ से बचा है 30 किलोमीटर टोटल। जय सिया राम, चलते हैं दोस्तों। भाई खतरनाक ठंड थी भाई, अभी तक ठिठुर रहा हूँ मैं। बाइक चला के आया हूँ ना तो ज़्यादा ठंड लग रही है, अगर मैं मतलब चला के नहीं आया होता बाइक तो इतनी ठंड नहीं लगती, और थोड़ा बहुत आसपास से आता तो भी शायद इतनी ठंड नहीं लगती। और मेरे ना ग्लव्स में लाइनर था ना पेंट में लाइनर था, अगर पेंट में भी इनर होता और ग्लव्स में लाइनर होता तो दिक्कत नहीं आती, ठंड इतनी नहीं लगती। सॉक्स भी मैंने सिंगल पहनी थी, अगर डबल पहनता और गर्म वाली पहनता तो भी इतनी ठंड नहीं लगती, काफ़ी ठंड लग रही है। अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी है, मतलब ठंड में अभी चला के आया हूँ तो। सो सामान वामान निकालते हैं सारा, चलते हैं मम्मी के पास, मासी के फ्लैट पे आ चुका हूँ मैं, मासी के यहाँ आई हुई है मम्मी, बहुत टाइम बाद आई हैं क्योंकि मासी के फ्लैट में लिफ्ट नहीं है ना तो ऊपर जाने में उन्हें दिक्कत आती है, तो मासी ने शायद कुछ लेबर बुलाई होगी फिर मम्मी को चेयर बिठा के ऊपर लेके गए होंगे, पहले भी ऐसे ही लेके जाते थे क्योंकि चढ़ने में थोड़ा मुश्किल पड़ता था। तो चलते हैं ऊपर सामान लेके और मम्मी से मिलते हैं, मासी से तो नहीं मिला पाऊंगा क्योंकि वो कैमरा कॉन्शियस है तो कैमरे के सामने आएंगी ही नहीं वो, डर के मारे डरती हैं वो, और वैसे अच्छी हैं, दिल की बहुत अच्छी हैं और मेरे लिए खाना बहुत बढ़िया बढ़िया बनाती हैं पर कैमरे से थोड़ा शाई हैं। चलो चलते हैं ऊपर, सामान उतारता हूँ मैं फटाफट, एक्साइटेड बहुत हूँ। सो एक चीज़ और बता दूँ, 230 किलोमीटर समथिंग हमने चला ली होगी बाइक और बाइक के अंदर पेट्रोल अभी भी फुल है, फुल का मतलब मत समझना क्योंकि ये ना 450 में ही फुल हो जाता है और मैं ना ओवर टैंक भरवा के चलाता हूँ वहाँ से, 850 रुपये समथिंग 700 में ही फुल हो जाता है, मैं 850 का पेट्रोल भरवा के चलाता हूँ वहाँ से, तो पेट्रोल अभी इसके अंदर काफ़ी है। और मैं आपको बता दूँ ज़्यादा से मेरा 350 रुपये का पेट्रोल लगा होगा आगरा से दिल्ली तक का। हेलो मम्मा, क्या हाल है? तूने तो बताया नहीं आज आ रहा करके, तू तो बोला था आऊंगा करके। मैंने प्लान किया था कि मैं प्लान किया था मैं एक या दो दिन में आने वाला था, मतलब मैं कल ही आया था आपके पास लेकिन कल लेट हो गया। आज मैंने स्टिकर बनवाया नए नए अपने ही चैनल के, वो बार कोड स्कैन कर सकते हैं और उससे अपना चैनल खुल जाएगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। अपना चैनल और ग्रो होगा उससे, तेरे साथ रहे, इच्छाएं तेरी पूरी करते जाएं। ये देखो माँ। अच्छा तो ये कैसे, ये क्या करना मतलब? ये अगर हम मोबाइल से स्कैन करेंगे ना तो मेरा चैनल खुल जाएगा ऑटोमेटिकली, स्कैन भी लिखा है ना इसे तो बार कोड है ये। अच्छा। और ये मतलब 300 पीस है ये, बहुत सारे हैं और भी बहुत सारे हैं तो सारे लिए मैंने, जहाँ भी जहाँ सजाया करूँगा प्लेट में डाल के दो,
बना के रख दे दे। जहाँ पे भी जाया करूंगा ना तो वहाँ लगा दिया करूंगा, या कोई आया जैसे अपने फैमिली मेंबर यूट्यूब वाले जो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उन्हें भी दे दिया करूंगा, वो भी कहीं भी लगा सकते हैं। अच्छा है ना। अच्छा आप भी कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये, मतलब पिछले वीडियो में तो आपने देख ही लिया होगा ये बनवाया था मैंने। और आप टेंशन मत लेना, मैं स्पीति जा रहा हूँ तो ठंड बहुत होती है तो वो ही ना सब चीजें पता करके अच्छी अच्छी गर्म चीजें लेके जा। तो एक तो विक्स की जो ये आता है, मैंने इजी ब्रीथ भी ले ली। हाँ वही करे, वो लेके जरूर जा क्योंकि वो थोड़ा सा लौंग रख ले, गर्म मसाला थोड़ा गर्म मिला, काली मिर्च थोड़ी रख ले, तो काली मिर्च रहती है हमारे पास, गर्म मसाले सारे ना। हल्दी घर की ले जा, हल्दी घर की किसी भी। हाँ ठीक है, ले जाना। फिर तो हल्दी वाला दूध पी लिया तो गर्म रहता। इस बार तो मैं बड़ा, इस बार तो मैं बड़ा वाला सिलेंडर लेके जा रहा हूँ, तो खाना बनाने की टेंशन नहीं। बड़ा वाला 5 किलो वाला। नीचे सामान तेरा आ गया नहीं ना? नीचे से आ गया सारा सामान। सारा सामान आ गया तो बोला ना, एक नहीं, एक स्लीपिंग बैग रह गया, वो उठा लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं ले जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा, सोसाइटी है ना तो कोई नहीं ले जाएगा। देख ले, चलो मैं ले आऊंगा अभी 2 मिनट में, टेंशन मत लो। और बेटा और सब बढ़िया? कब जाने का प्रोग्राम बना रहा? कल और परसों परचेजिंग करनी होगी, सामान वामान खरीदना होगा, परसों के बाद निकल जाएंगे। अच्छा। यहाँ से निकल जाऊंगा, फिर आगे दोस्त मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? हिमाचल में। कब मिलेंगे? 3 मतलब अगले दिन ही मिल जाएंगे, जब यहाँ से निकलूंगा तो रास्ते में ही मिल जाएंगे सब। चलो रोटी खाते हुए मिलता हूँ आपको। मम्मी से मिलकर दिल खुश हो गया यार। रोटी खाते हैं मस्त घर की, मासी ने खाओ से बनवाया, खाओ से बहुत टेस्टी होता है। और ये सब चीजें ना यूनिक यूनिक स्टाइल की मासियां बनती रहती है, बढ़िया बढ़िया। खाओ से जो होता है वो बर्मी फूड होता है, ये कुछ कड़ी जैसा होता है और चौमिन होती है वाइट, काफी टेस्टी सा होता है। मिलते हैं कल सुबह बढ़िया से ब्लॉग के साथ। दिन तो अपना आज बढ़िया सा निकला था, आई होप आपको वीडियो भी पसंद आया होगा, और लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। आगे आने वाले वीडियोज में एक बढ़िया सी राइड होने वाली है, मस्त सी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो वीडियोस के साथ जुड़े रहना, मिलते हैं।